वेलकम बच्चों, आज हम लोग जो है रियल नंबर क्लास टेंथ के सेकंड पार्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में अध्ययन किया था, तो इसके लिए फंडामेंटल मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स थ्योरम क्या होता है इसको जानेंगे। तो आप ये लोग देख रहे होंगे एक संख्या है 32760। अब इसको हम लोग जो है डिवाइड किए हैं, तो हम लोग ने कुछ उदाहरण देख सकते हैं। 7 × 11 × 23 ये होता है, और ये 7 × 11 × 23 ये हो जाएगा। फिर 2 × 3 × 7 × 11 × 13 इक्वल टू 10626। अब इस 2 पावर 3 3 एंड 7 पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 2 पावर 3 7 3 11 एंड 33 का मल्टीप्लिकेशन जो है 21052 एंड सो ऑन। इस तरह जो है जो भी नंबर्स हैं उनको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अब यहाँ देखिए एक ट्री स्ट्रक्चर दिया है 32760। तो ये लास्ट में है, तो 2 से डिवाइड किया हमको तो 16380 मिल गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो 8190 मिल गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो 4095। अब यहाँ लास्ट में 5 है, तो अब ये देखते हैं हम लोग कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 14 9514 4 18, तो 18 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड कर लिया। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, और फिर ये 55, तो अब ये 3 से डिवाइड नहीं, तो अगली प्राइम संख्या 5 से डिवाइड कर लिया, और ये अगला जो है 7 से डिवाइड हुआ, तो लास्ट में हमारा 13 और 11 बचा। तो हम लोग पिछले क्लास 6 में इस तरह करते थे ट्री स्ट्रक्चर के रूप में, या ऐसे सीधे सीधे करते थे 40 95। फिर अब यहाँ आ गया तो 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आएगा 13 65। फिर हम 3 से यहाँ कर लें तो हमारा हो जाएगा 4 55, और फिर यहाँ जो है 5 से करें तो हमको मिल जाएगा 91। फिर इसको जो है 7 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा मिल जाएगा 13, और फिर 13 से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा 1। तो हम लोग जो है छोटी क्लासों में इस तरह करते थे, या इस तरह ये ट्री स्ट्रक्चर है दोनों बात सेम, तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि 32760 बराबर, अब 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 3 बार आया है, तो 2 पावर 3। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 पावर 2। 5 कितने बार आया है, 1 बार, तो 5 और 7 और 13। तो ये इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसे ही अर्थमेटिक का जो है फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। अर्थात जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर हैं, डिजिबल नंबर हैं, उनको हम यूनिक प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए आगे थ्योरम है, थ्योरम कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड अर्थात फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइज अकर। जैसे हम लोगों ने पिछले में देखा था कि जो हमने किया था, तो यहाँ देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 है 3 है और 5 है। तो ऑर्डर में करने का मतलब, ऑर्डर में करने के लिए इसलिए क्योंकि पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं तो हमको आराम से मिलता जाता है, तो ऑर्डर के रूप में करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह लिखे, लेकिन यह है कि इसे लिखने से हमको पढ़ने और बोलने में समझाने में सुविधा होती है, इसलिए इस तरह हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबका जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, उसके ऑर्डर को छोड़कर। इन जनरल द गिवन कंपोजिट नंबर एक्स इज फैक्टराइज एज P1, P2, Pn। कहने का मतलब यक्स हमारा एक कंपोजिट नंबर है जो नेचुरल नंबर है, तो इसको P1 इंटू P2 इंटू Pn तक लिखते हैं, वेयर P1, P2, Pn आर द प्राइम नंबर्स रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो P1 इज लेस देन आर इक्वल टू P2 इज लेस देन आर इक्वल टू Pn, तो बी कम्बाइंड द सेम प्राइम विल वी गेट द पावर। जैसे कि अब हमारा ये नंबर है हम लोगों ने किया था, तो ये फैक्टर होता है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 6, तो यहाँ जो है ये हमारा हो जाएगा 2³, और ये हो जाएगा हमारा 3² और ये सिंगल आया हुआ है तो इसलिए ये 7 × 13 हो गया। तो अर्थात ये जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर कई बार रिपीट किया है तो उसको हम लोग पावर के रूप में लिख लेंगे। तो वंस वी हैव डिसाइडेड दैट द ऑर्डर विल बी असेंडिंग, तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हमारा ऑर्डर जो है बढ़ते हुए क्रम में होगा, देन वी है वे ऑफ नंबर इज द फैक्टराइज इज यूनिक, तो कभी भी कंपोजिट नंबर है तो उसका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक्स हैज बीन मेनी एप्लीकेशन बोथ विद इन मैथमेटिक्स एंड अदर फील्ड, तो इस फंडामेंटल रूल ऑफ मैथमेटिक्स का जो है मैथमेटिक्स के अलावा बाहर भी इसके ढेर सारे यूज हैं, तो जहाँ जहाँ इसके यूज होते रहेंगे हम लोग उसको देखेंगे और सीखेंगे। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, अभी इस एग्जाम्पल में देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देखते हैं। कंसीडर द एक्स पावर 4n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n विच n पावर 4n इज एंड विथ 0। द सोलूशन इफ द n नंबर 4 पावर n फॉर एनी n देयर डू एंड विथ 0 डिजिट, देन द इट वुड बी डिविजिबल बाई 5, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n वुड बी कंटेन द प्राइम नंबर 5। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 पावर n इज 2 पावर 2n, सो द ओनली प्राइम इज फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n इज 2। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच n इज एंड विथ 0। तो अब इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि 4 पावर n क्या जो है इसको हम एक्सप्लेन करें, तो ये 0 के बाद इसके इकाई के स्थान पर 0 आएगा। तो हम देखते हैं जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो 4 पावर n को फैक्टराइज करने के लिए यहाँ 2 पार आ रहा है, लेकिन जब भी कोई संख्या 0 अंत में होती है तो उसके फैक्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम 1, 5 और 1, 2 होना ज़रूरी है, जब 10 होगा तभी 0 होगा। तो यहाँ 4 में केवल 2 आता है, 5 नहीं आता है, अर्थात इसको ये कभी भी इसका इंड 0 से नहीं होगा। हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं। तो जब भी कोई नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा हुआ है और या करें, तो अगर 2 और 5 आता है तब उसका टोटल गुणनफल 0 हो सकता है होगा,
अगर एक दो और एक पाँच है तो दो जीरो होगा, एक जीरो होगा। अगर दो दो और दो पाँच है तो दो जीरो होगा। अगर तीन दो और तीन पाँच है तो दो जीरो होगा, क्योंकि ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। जितने 10 होंगे उतने ही जीरोज होंगे। तो कम से कम इकाई के स्थान पर जीरो होने के लिए एक दो और एक पाँच होना अनिवार्य है। तो 4n के फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आता है, इसलिए ये इनविच जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला उदाहरण हमारा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करके जो है नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ क्लास 6 में निकालना सीखे थे। तो अब देखिए 6 है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 1 सबका एक प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर होता है। और 20 का हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है तो 1 है सबका, तो एलसीएम के लिए सबसे पहले जो पहला दिया है उसमें उतार लेते हैं। तो अब ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 3। अब यहाँ एक दो आ गया है तो एक दो तो नहीं लेंगे, लेकिन ये फिर दो है तो इसको भी लिख लेंगे, और फिर पांच बचा तो इसको भी लिख लेंगे, और गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 × 6 × 12 = 60 एलसीएम हो गया। और एचसीएफ की केस में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं, इसलिए 2 पावर 1 होगा। 2 पावर 1 का प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन इसका जो है 2 होगा, और इसलिए जो है एलसीएम ऑफ इंटीजर जो है 2 पावर 2 3 पावर 1 एंड 5 पावर 1 होगा। और इसका प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। तो एलसीएम 60, और ये हम लोग ये देखते हैं। तो अब इसका मतलब द फार्म ऑफ एग्जाम्पल एबव यू सी माइट नोटिस दैट द एचसीएफ 6 × 20 इंटू एचसीएफ बराबर 20। तो अब यह हम लोग देखें, इनका एचसीएफ जो है 2 × 60, और संख्या हमारी दी है 6 × 20, तो ये दोनों कितने के बराबर हो गया, 120 बराबर 120। अर्थात दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए बी के बराबर होगा। इससे हम लोग दो संख्याओं का अगर एलसीएम पता है तो हम एचसीएफ जो है दोनों के गुणनफल में एलसीएम की भाग दे देंगे तो एचसीएफ मिल जाएगा, अगर गुणनफल में एलसीएम की भाग देंगे तो एचसीएफ मिल जाएगा। ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू होता है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ 96 एंड 144। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन 96 का 2 पावर 5 × 3 और 404 का 2 पावर 2 × 101। तो अब अगर इसका हम एलसीएफ लिखेंगे तो कितना, 2 पावर 2 हो जाएगा 4, और एलसीएम निकालने के लिए दोनों का गुणा करके एचसीएफ से भाग, 96 44 में 4 की भाग दिया तो 9696 हो गया ये उत्तर। तो उस फार्मूले का भी यूज करना हम लोग सीख लिए, इस तरह भी कर सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा है एग्जाम्पल 8, एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 6, 72 और 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का 2 × 3, 72 का 2 पावर 3 × 3 पावर 2, 120 का 2 पावर 3 × 3 × 5। तो अगर हम एस एल 2 पावर 1 कामन हो गया सब में, 3 पावर 1 कामन है, तो द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कामन फैक्टर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली द एचसीएफ ऑफ ये 2 पावर
वन और थ्री पावर वन इजकल टू इंटू थ्री हो जाएगा, ये तो सिक्स हो गया। अब जो है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ थ्री टू और फाइव का वन, अगर इनका गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, टू पावर थ्री इंटू थ्री पावर टू इंटू फाइव पावर वन बराबर 360। तो इस तरह जो है हमारा 72 गुणे सिक्स तथा 132, और इनका एलसीएम और एलसीएम गुणा करें तो सो द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज नॉट इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अगर कोई तीन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो उन तीनों संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर नहीं होता है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देखिए, इसको हम लोग जो है आगे चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन 40 का है, दो गुणे दो गुणे पाँच गुणे सात, तो दो घाते दो और पाँच गुणे सात 156 का है, तो दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तेरह, तो दो घाते दो गुणे तीन गुणे तेरह, और 38 25 का है, तीन गुणे पाँच गुणे पाँच गुणे सत्रह, तो तीन घाते दो गुणे पाँच घाते दो गुणे सत्रह। अब 5005 का है, तो पाँच गुणे सात गुणे तेरह गुणे ग्यारह, और 74 29 का है, 17 गुणे 29 19 गुणे 23। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको हम लोग जो है ट्री स्ट्रक्चर से करें चाहे अपनी पुरानी विधि से करें, कैसे भी कर ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है प्रश्न, दूसरा कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल। तो 26 और 91 है, तो 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13 और इसका 7 इंटू 13, तो एचसीएफ हमारा हो गया 13, दोनों में कॉमन है, तो एलसीएम इसका जो है 2 इंटू 7 इंटू 13 182 हो गया। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 23 66 और एलसीएम का भी गुणा कर दिया तो 13 इंटू 182 बराबर 23 66, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। उसी तरह 510 और 92 का है, तो 510 और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन 510 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 है और 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23 है, तो एचसीएफ इसमें केवल दो ही दोनों में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब एलसीएम जो है 2 गुणे 2, क्योंकि दो बार 2 इसमें आया है, एक बार 3 एक बार 5 एक बार 17 और एक बार 23, सब गुणा कर दिया तो 23460 इसका एलसीएम हो गया। तो 510 और 92 का गुणनफल जो है 46920 हुआ, और इधर जो है 2 गुणे 23460 का गुणनफल भी 46920 हुआ। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इजकल टू एचसीएम और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। इसी तरह 336 और 54 का करते हैं, तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4 3 एंड 7, 54 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 2 इंटू 3 पावर 3, तो एचसीएफ इसका 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन है और इसमें 2 पावर 4 है, तो एक 2 ले सकते हैं, तो 6 हो गया। एलसीएम जो है हाईएस्ट पावर वाले ले लेते हैं, 2 पावर 4 3 पावर 3 और 7, तो ये जो है 30 20 हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज कल टू 18 144 और एलसीएम 6 इंटू 32 इज कल टू 18 144, तो ये दोनों बराबर हैं। तो अब देखिए इसमें जब भी हमको एलसीएम ज्ञात हो तो लोवेस्ट पावर वाला लेते हैं,
और जब एलसीएम निकालना हो तो हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। बहुत ही आसान मेथड है कि अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर पावर के रूप में लिखते हैं तो जो लोवेस्ट पावर वाले का गुणनफल जो है एचसीएफ होता है, और हाईएस्ट पावर को गुणा कर देते हैं संख्याओं का तो वो एलसीएम हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर आर अप्लाइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तीन संख्याओं का करना है, 12, 15 और 21। तो 12 का प्राइम फैक्टर 2 पावर 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5 और 21 का 3 इंटू 7। एच सी एफ 3 होगा क्योंकि 3 की सब में लोवेस्ट पावर 1 है, और एल सी एम जो है हाईएस्ट पावर ये 2 पावर 2, फिर 3, फिर 5 एंड 7, ये 420 हो गया। अब 17, 23 और 29 है, तो ये तीनों जो है प्राइम फैक्टर हैं, अब प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इनके जो है एच सी एफ 1 होगा। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका एस सी एफ 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और एल सी एम तीनों का डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो वो जो मिलेगा वो इनका एल सी एम हो जाएगा। 8, 9 और 25 का करना है, तो 8 का जो है 2 घाते 3, 9 का 3 घाते 2, 25 का 5 घाते 2। तो एल सी एम यहाँ कोई भी संख्या में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए एस सी एफ क्या हो गया हमारा 1 हो गया, और एल सी एम इन सब का गुणा कर देंगे सीधे सीधे तो ये हो जाएगा। तो जैसे इसमें प्राइम नंबर था तो 1 आता था, यहाँ जो है ये सारे जो है कैसे हैं, को प्राइम हैं। तो को प्राइम हैं तो जब भले कंपोजिट हैं लेकिन ये सारे क्या हैं, को प्राइम हैं, इसलिए इनके भी कॉमन फैक्टर 1 होता है। हम लोग पढ़े हैं कि को प्राइम कैसे नंबर होते हैं जिनका एस सी एफ 1 हो, और प्राइम नंबर तो ऐसे भी को प्राइम कहिए चाहे जो कहिए वो सब प्राइम ही होता है, लेकिन अगर कंपोजिट नंबर है और दोनों दो कंपोजिट नंबर या 3 कंपोजिट नंबर हैं, अगर उनका एस सी एफ 1 आता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये को प्राइम है। तो यहाँ वही स्थिति है, 8, 9 और 25 ये कंपोजिट होते हुए भी को प्राइम है, इसलिए इनका भी एस सी एफ 1 आया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि 306 और 657 का एस सी एफ 9 दिया है और एल सी एम इसका ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान काम है, दोनों संख्याओं को गुणा करके 9 से भाग दे दें तो हमको एल सी एम आसानी से आ जाता है। हम लोगों ने उसी का प्रयोग किया और यहाँ 306 गुणे 657 भागे 9, तो 9 से काट दीजिए इसको, 9 3 27, 3 9 6 36 से 34 हो गया, इसका गुणा किया ये हमको मिल गया। नेक्स्ट पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल उदाहरण 4 की तरह ही था, वहाँ जो है 4 पावर n था, यहाँ 6 पावर n है, इन विच 0 होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि 6 का 5 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 3 होगा, और हमने ये बताया था कि जो है 0 होने के लिए कम से कम 1, 2 और 1, 5 होना चाहिए, तो 2 तो है इसमें, 5 नहीं है, इसलिए इनवेज 0 नहीं होगा। तो यह लिखा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, हेंस द फॉर वैल्यू ऑफ n 6 पावर n विल नॉट द डिविजिबल बाई 5, therefore 6 cannot be end with the digit 0 for any natural number n. छठा सवाल है, एक्सप्लेन 7 × 11 × 30 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हम लोग जो है प्राइम और कंपोजिट नंबर की परिभाषा पढ़े हैं कि यदि कोई भी संख्या है अगर उसका 2 से अधिक फैक्टर है तो
तो वो कंपोजिट होगा, और जिसका सिर्फ दो है तो वो प्राइम होगा। तो सिर्फ दो का मतलब ये होता है कि उसमें कम एक फैक्टर अनिवार्य है, एक होगा और वो स्वयं संख्या होगी, स्वयं नंबर है, तो वो कंपोजिट होगा, अदरवाइज ये क्या होंगे, कंपोजिट होंगे। तो अब ये देखिए 7 × 11 तो इसमें हम लोग 13 को कामन ले लें तो 7 × 11 प्लस 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू करेंगे 13 × 71 प्लस 8, ये हो जाएगा 13 × 78, और इसमें 1 है ही है, और इसके अलावा 13 और 77 भी जो है फैक्टर कर सकते हैं, 13 × 6। तो अब ये जो है मोर देन, इट हैज द मोर देन 2 फैक्टर, इसलिए यह क्या होगा, कंपोजिट होगा। उसी तरह दूसरे सवाल को अगर करें तो यहाँ हम जो है 5 कामन ले सकते हैं, तो 5 कामन ले तो 5 × 1008 + 1, तो ये हो जाए 5 × 901, तो 901 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, देयर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 एंड एक्स नो इट्स फैक्टर, हैंस इज द कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 तो सबका होता ही है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा सवाल ये कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट ड्राइव अराउंड द फील्ड व्हाइल द टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम पर्पज एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम गो सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट्स अगेन स्टैंडिंग पॉइंट। एक जो है 12 मिनट टाइम ले रहा है, तो अगर ये दोनों एक साथ चलें तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो इनका हम लोगों ने सबसे पहले एलसीएम निकाला, ये 36 है, तो रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद फिर एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो इस तरह सवाल को क्लास 6 का सवाल है, ऐसा कोई बहुत कठिन काम नहीं है, इससे निकालना सीखे हैं, इसमें कठिन नहीं होना चाहिए। इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ, सबको धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे।